आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं, कुछ नए स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में देखिए किस तरह की उठापटक चल रही है तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि इस उठापटक के बावजूद भी अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं करते हैं, अपनी जगह पर बहुत स्टडी और बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। कुछ ऐसा ही ये स्टॉक है। कल हालांकि मार्केट में जिस तरह का 1500 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी आई एट द एंड ऑफ द डे, बट उस बड़ी गिरावट के बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिला। ये अपनी पोजीशन पर एक स्टडी मोड में खड़ा रहा और यही खूबी इस स्टॉक की है, इसको बताती है कितना शानदार परफॉर्मर है। 1000 रुपीज़ से भी ज़्यादा का ये शेयर है जो कि आपको इस समय 50% डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है, और 50% डिस्काउंटेड रेट पे एक अच्छा स्टॉक अगर अवेलेबल है आपके लिए तो मुझे लगता है कि ऐसा सिनेरियो अफसर को जाने नहीं देना चाहिए। सो जेट इज़ रेडी टू टेक ऑफ एंड टाइटन योर सीट बेल्ट। जेट का मतलब आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब तक इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तभी तक वो खड़ा हुआ है। एक बार इंजन स्टार्ट हुआ तो वो चंद सेकंडों में ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो इसी तरह का स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका नाम है मैथन अलॉयज। हालांकि हम लोगों ने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया था और ये स्टॉक हमने अराउंड 500 टू 600 के बीच में आप सभी को बताया भी था पहले भी। उसके बाद लगभग 1100 के लेवल टच किए एंड बहुत अच्छे मुनाफे भी लोगों ने कमाए जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं स्पेशली। सो मैथन अलॉयज स्पेशली माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर का स्टॉक है, और जैसा कि हमें पता है कि माइनिंग और मिनरल सेक्टर पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, और वही प्रेशर हमें मैथन अलॉयज में भी देखने को मिला। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जिस तरह से स्टील सेक्टर जो है, जिस तरह से मेटल सेक्टर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, तो मैथन अलॉय भी उसमें एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। सो मैथन अलॉय का हम देखेंगे 590078 इसका BSE का कोड है, MAITHANALL मैथन ऑल ये इसका NSE का कोड है, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। 567 का प्राइस है इस समय इसका NSE पर, और इसके हम थोड़े से ब्रीफली आपको बता देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह। एक अच्छी होल्डिंग स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स की है, 75% के आसपास प्रमोटर्स के पास स्टेक है कंपनी का। आप समझ लीजिएगा कि कितना ज़बरदस्त बिलीफ है प्रमोटर्स का कि उसने जो मैक्सिमम लिमिट होती है प्रमोटर्स की बाइंग की उसी पर वो लोग खड़े हैं। म्यूचुअल फंड 0.28%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 0.17, QFIs के पास 2.75% स्टेक है, लगभग 16% के आसपास स्टेक पब्लिक होल्डर्स के पास है, एंड पब्लिक मतलब इंडिविजुअल होल्डर्स के पास है, एंड 5.97 एनी अदर्स के पास है। साथ ही फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल बहुत गुड, वेरी गुड फाइनेंशियल्स हैं। जून क्वार्टर के नंबर मैं आपको बताऊँगा, ये रहे जून क्वार्टर के नंबर। 455 करोड़ का जून में टोटल सेल्स था, जून 17 में 430 करोड़ का सेल्स रहा, और यहाँ पर हम PBT की बात करें तो 85 करोड़ का PBT रहा है, और जबकि लास्ट जून में 76 करोड़ का ही PBT था केवल। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ही सेम 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जहाँ पर जून 18 में 65.44 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। हालांकि YOY पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुई है, लेकिन QOQ पे यानी कि मार्च क्वार्टर और जून 18 क्वार्टर के मुकाबले मार्च क्वार्टर के हिसाब से इनकी जो परफॉर्मेंस है कुछ डाउनग्रेड हुई ड्यूटी द प्रेशर ऑन द मिनरल एंड द माइनिंग सेक्टर। तो इसी वजह से प्रेशर का इम्पैक्ट देखने को मिला हमें जून के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। अगर आप एनुअल रिजल्ट देखेंगे मार्च 18 में तो शानदार नंबर्स पोस्ट किए थे कंपनी ने, और जिस तरह से देखिए मार्च 18 में कंपनी ने 1878 करोड़ की सेल्स डिक्लेयर की थी, जबकि मार्च 17 में केवल 1321 करोड़ की सेल्स थी। साथ ही साथ PBT भी आप देखिए कितना बेहतरीन 375 करोड़ का PBT रहा है मार्च 18 में, जबकि मार्च 17 में केवल 262 करोड़ का ही PBT था। पिछले 5 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च 14 में केवल 29.4 करोड़ का PBT ही कंपनी डिक्लेयर कर पाई थी, जबकि पिछले 5 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो 10 टाइम से भी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है कंपनी का, और ये कंपनी के स्ट्रेंथ को वर्थीनेस को इंडिकेट करती है और बताती है कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है
और जिस तरह से आने वाले समय में इंफ्रा रियलिटी और डेवलपमेंट सेक्टर पर काम चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टील सेक्टर की डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली है, और स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंपनी का जो सेल टर्नओवर है वो भी बहुत ही शार्पली इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज कौन कौन से हैं एंड कहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन होता है। फेरोमैग्नीज, अ ड्रीम ऑफ ड्रीम टू बी द एंड एंड लीड इन द इंडियन स्टील इंडस्ट्री, मतलब इंडियन स्टील इंडस्ट्री को सप्लाई करता है ये। लेट अस टू क्रिएट द फेरोलॉयज प्रोडक्ट दैट वर बी द एब्सोल्यूट फाइनेस्ट क्वालिटी। फेरोलॉयज आर द अलॉयिंग एलिमेंट दैट एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, मतलब स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एंटी कोरिजन एंड एंटी स्टेन प्रॉपर्टीज के लिए हम फेरोलॉयज को यूज़ करते हैं। मतलब तो जंग नहीं आए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। आप देखते होंगे जिस तरह से अब यू नो अर्थक्वेक अब बहुत ही यू नो रेगुलरली आते हैं, और उसके हिसाब से अब जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है उसको भी जो गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है और उसके हिसाब से ही अब सारे घर बनते हैं। जितने ही ज़्यादा बनेंगे उसमें आयरन और स्टील की जो जो खपत होगी वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और जब आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जो फेरोलॉयज या फेरो मैंगनीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उनकी सेल्स भी राइज होगी। फेरोमैग्नीज प्राइमरली एन अलॉय ऑफ द मैगनीज एंड द आयरन। इट कंटेन्स द हाई कंटेस्ट ऑफ द मैगनीज टू यूज इन द स्टील प्रोडक्ट्स वेयर एन द सिलिकॉन कंटेंट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड एट द लोड लेवल। इट इज़ मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लैट स्टील, जो फ्लैट स्टील बनती है, मैगनीज रिच स्टील बनती है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नीज का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक उसकी डिमांड बढ़ती है। सिलिकॉन मैगनीज में क्या है, सिलिकॉन मैगनीज इज एन अलॉय ऑफ द मैगनीज सिलिकॉन एंड द आयरन। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव ब्लेंड ऑफ द मैगनीज, यानी कि इसमें जो बेसिकली यूज होता है ये भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और स्टील प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें हाई क्वालिटी का जो सिलिकॉन मैगनीज होता है वो यूज़ होता है और जिसको ये सप्लाई करती है कंपनी। सेम फेरोसिलिकॉन्स ये भी स्टील प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, स्मॉल क्वान्टिटीज में यूज होता है। फेरोसिलिकॉन्स यूज तो मैन्युफैक्चर ऑफ द सिलिकॉन कोरोजन रेजिस्टेंट एंड द हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट फेरोसिलिकॉन अलॉय एंड सिलिकॉन स्टील फॉर द इलेक्ट्रोमोटर्स एंड द ट्रांसफार्मर कोर्स। इस जो ट्रांसफार्मर कोर्स हैं, जो इलेक्ट्रोमीटर्स हैं, उनके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल जो डिमांड है वो तो डेफिनेटली राइज करने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त राइज करने वाली है। और हम पिछले 5 सालों के हिसाब से देख भी रहे हैं कि कहाँ 2014 में कंपनी को केवल 30 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं 2018 में 5 सालों में 10 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। इवन 10 गुने थे भी कई ज़्यादा है, 30 करोड़ से बढ़ के 375 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का होने लगा। एंड अभी अगर टेक्निकली हम लोग बात करेंगे तो टेक्निकल दोस्तों देखिए, इसने अपना पीक टच किया था इस लेवल पे आके, लगभग 1023 के आसपास अपना पीक टच किया। एंड उसके बाद 24 जनवरी के बाद हम जैसा हम सभी को पता है आफ्टर द बजट डिक्लेरेशन बजट सेशन एंड द 1st of February मार्केट में जो गिरावट शुरू हुई और उस गिरावट में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर भी इस स्टॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लोअर हाई बनाते हुए ये नीचे की तरफ चलता चला गया, और अब कहीं ना कहीं ये अपने बेस को मेंटेन या बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसका जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। दिस वन 550 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द मैथन अलॉय। आप देख सकते होंगे कि इसी लेवल से ये स्टॉक चलना शुरू किया था। हमने आपको सितंबर अक्टूबर में ही करीब इसमें आपको स्टॉक में एंट्री के लिए पोजीशन बताई थी, और 550 के आसपास हमने इसको सजेशन दिया था। उसके बाद ये स्टॉक ने 1000 लेवल टच किया, मतलब आपको कुछ ही महीनों में, 3 से 4 महीने में आपको 100% का रिटर्न आपको मिला था, लोगों ने बहुत अच्छे मुनाफे कमाए। ठीक है, उसके बाद एक गिरावट आई, वापस जो स्टॉक्स चले थे सितंबर अक्टूबर से वो अपने उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके कहीं ना कहीं अपने बॉटम फॉर्मेशन दोबारा कर रहे हैं। यानी कि अब आपके पास दोबारा सुनहरा मौका है, आप यहाँ से खरीदना शुरू कीजिएगा। अगर देखिए, खरीदने का पर्पज़ ये होता है कि आप कभी बल्क में मत खरीदिए, आपको जब भी खरीदना है तो आप एक रेगुलर मोड बना लीजिए कि हर महीने आपको 50-100 शेयर्स खरीदने हैं। अगर आपका 500 शेयर्स को खरीदने का हॉराइजन है, आपका टारगेट है, तो आप हर महीने 100 शेयर खरीदिए और 5 महीने तक खरीदिए, तो 5 मंथ्स तक जो भी टारगेट प्राइस होगा, जो एवरेज प्राइस होगा, वो आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और आपके पास 500 स्टॉक्स भी हो जाएंगे एक अच्छे एवरेजिंग प्राइस पर, और वहाँ पर आपको एक अच्छा मुनाफा भी होगा। अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं मार्केट में। तो
तो ये जो मैथन अलाय के बारे में हमने बात की, इस समय बहुत बढ़िया लेबल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। कल आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह का गिरावट था, लेकिन 21 सितंबर को उस गिरावट के बावजूद भी इस स्टॉक ने 550 अपना लो टच किया केवल, यानी 550 से नीचे ये स्टॉक नहीं गया, इवन फ्लक्चुएटेड मोड में भी नहीं गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 550 की बात कर रहे हैं और ये 550 का लेबल है, 550 का ये दिस वन, और इस 550 के लेबल को इसने बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, बहुत ही स्ट्रांगली। द बियर्स काइंड ऑफ मार्केट, सडनली जो फॉल आया, पूरा मार्केट, पूरा मिड कैप टूट चुका था, ज़मीन में गिर गया था, लेकिन ये स्टॉक ने अपनी पोजीशन को ज़बरदस्त होल्ड किया। तो गाइस ये बताता है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना स्ट्रांग स्टॉक है, और अगर आप इसको खरीदते हैं तो वापस आपको 1000 रुपीज़ के लेवल आपको बहुत ही जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात की मैथन अलाय के बारे में, एंड जेट इज़ रेडी टू टेक ऑफ, और इसका यही रीज़न है कि जिस वक्त एकदम से चलना शुरू करेगा, सो बहुत ही सडनली, जिस तरह से इतने पिछली बार 500 रुपये थे, 1000 रुपये का लेवल केवल 3 से 4 महीने में अचीव कर दिया था, ऐसा इस बार भी हो सकता है, बस शुरुआत है तो इस स्टॉक के चलने की। तो इंतज़ार कीजिए, नज़र बना कर रखिए इस बेहतरीन मल्टी बैगर पिक पर, और जैसे ही ये चलना शुरू करेगा आप अपने नोट, अपने मुनाफे को काउंट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कुछ नए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पिक्स के ऊपर। तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप बेल का आइकन प्रेस करते हैं तो आपको आने वाले मल्टी बैगर पिक्स के बारे में अपडेट्स तुरंत ही मिल जाएंगे और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।